जोहार साथियों, आर्थिक वर्ष 2024-25 का आज केंद्रीय बजट पेश हुआ। आमतौर पर इसे देश का आम बजट भी कहा जाता है, लेकिन आज का बजट आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों का बजट था। और यह बजट पूर्णतः प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया। यह देश का बजट कतई नहीं। इस बजट से यह पूरी तरह से प्रतीत हुआ कि केंद्र की सत्ता अपने स्थिरता के लिए इतनी डरी और सहमी हुई है कि उसे आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ पहुंचाना है, साथ साथ बिहार को भी। बाकी 27 राज्य, थोड़ा बहुत उड़ीसा के लिए, और बाकी 27 राज्य लगता है कि अब इस देश में ही नहीं है। यह चुनाव में जिस प्रकार से मुद्दे विहीन होकर भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल सांप्रदायिक बातें की, उसी का यह झलक भी दिखता है। बजट को 9 हाईलाइट किए गए, 9 पॉइंट को, जिसमें सबसे ऊपर एग्रीकल्चर को रखा गया। लेकिन विडंबना यही है, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में जिस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 6.5% बजट का हिस्सा हुआ करता था, आज वो घटकर 3.9% पे आ गया। एमएसपी की कोई चर्चा नहीं हुई। जो मोटा क्रॉप है, जिससे पेट भरा जाता है, उस पर कोई बातें नहीं, केवल फल और सब्जी पर बातें, वो भी मात्र 1-5 साल का परियोजना को लेकर। दूसरा पॉइंट जो एम्प्लॉयमेंट का था, रोजगार का था, कल हम लोगों ने देखा था कि आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश हुआ तो देश का बेरोजगारी दर केंद्र सरकार ने 3.2% बताया, लेकिन सरकार की ही जो एक सहयोगी संस्था है सीएमआईई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट करती है, उनका आकलन था बेरोजगारी दर 9.2%। यही एक घालमेल है। कोई नई सरकारी नौकरी की कोई घोषणा नहीं। जो 30 लाख सरकारी पद खाली है, उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई बातें नहीं।
बातें क्या हुई, अगले 5 वर्षों तक 1 करोड़ युवाओं को जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां उसमें 5,000 के वेतनमान पर अस्थायी नौकरी दी जाएगी, मतलब प्रतिवर्ष 20 लाख नौजवानों को ही 5,000 की नौकरी होगी, जिसमें IIT से पढ़े हुए जो इंजीनियर हैं उनको भी 5,000 की नौकरी दी जाएगी, जो ITI से पढ़े हैं उनको भी 5,000 की नौकरी। ये बजट पर्यटन पर, उसमें कितने रोजगार सृजन होंगे उसकी कोई परिकल्पना नहीं की गई। हम कह सकते हैं कि यह बजट ऐसा है कि किसी को यदि कैंसर हुआ है तो डॉक्टर बोलेगा उसमें बैंडेड लगा लो, मतलब घाव ऐसा भयानक है जिसमें आदमी की जीवन लीला समाप्त हो सकती है, उसको कहा जा रहा है कि तुम बैंडेड लगा लो घाव पे, उसकी सर्जरी नहीं है, उसकी केमोथेरेपी नहीं होगी। ये बजट हमारे वित्त मंत्री जब बजट पढ़ रही थी उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि बजट है क्या, हम किसके लिए यह दस्तावेज पढ़ रहे हैं। शिक्षा पर कोई भी बातें नहीं, स्वास्थ्य पर कोई बातें नहीं, इलाज महंगा होगा सोना सस्ता होगा, लोगों को कहा गया ज्यादा से ज्यादा मोबाइल खरीदिए, और यदि एक मोबाइल है तो 4 चार्जर खरीदिए क्योंकि उसमें दाम घटा दिया गया। महंगाई पर कोई बातें नहीं, GDP का परिकल्पना केवल सपना रह गया। मिडिल क्लास जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, जो थोड़ा बहुत बचत करते थे, कहीं शेयर में लगाते थे, कहीं म्यूचुअल फंड में लगाते थे, उनको नसीहत दी गई कि ऐसा मत करें, बाजार के हालात ठीक नहीं, आपके पैसे डूब जाएंगे, और इतना सुनते ही सेंसेक्स गोता लगा गया, लोगों के पैसे इसमें भी डूब गए। मध्यम वर्ग के पॉकेट से और निकालो ये सरकार की ध्येय रह गई। और धीरे धीरे देश 10% लोगों के हाथ में कैसा जाए
उसका यह बजट एक रोडमैप बनकर रह गया। झारखंड जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा खनिज संपदा देता है, उसकी कहीं कोई आवाज नहीं उठी। महाराष्ट्र जो पूरे देश का सबसे ज्यादा जीएसटी पे करता है, उसके बारे में सोचा तक नहीं गया। केवल और केवल आंध्रा, बिहार और कुछ हद तक उड़ीसा, मतलब जहां से सरकार टिकी है, जहां जहां बैसाखी है, सरकार की विकलांगता पूरी तरह से सामने आ गई। क्या मिलेगा नौजवानों को? अभी भी स्किल डेवलपमेंट होगा? दस साल से स्किल डेवलपमेंट हुए ही जा रहा है, कौशल विकास चल ही रहा है, नौकरी नहीं। बोला एमएसएमई का पुनरुद्धार होगा, मुद्रा योजना 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। तो 10 लाख जब था उस वक्त मुद्रा योजना के तहत एमएसएमई क्यों कोलैप्स कर गया, जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली सेक्टर? बहुत दुखद स्थिति आर्थिक रूप से। आज दावा हम लोग भले कर ले, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आम बजट आम लोगों के लिए नहीं, आम बजट खास लोगों के लिए। तमाम रियायतें दी गई, जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट का जो कॉरपोरेट टैक्स था, उसमें 10% की छूट दे दी गई। 35 से 25 पर ले आए। और इनकम टैक्स पर जो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पे करता है, उसमें मात्र 25,000 की बढ़ोतरी, 50,000 से 75,000 किए गए। और 30% तक इनकम टैक्स का स्लैब चल गया, 5% से 30%। ये पूरे बजट को हम कह सकते हैं कि बिना सोच समझ का मात्र एक कागज में छपा हुआ दस्तावेज है, जो अगले 5 वर्षों तक युवाओं को उनके बेरोजगारी में गर्त में ढकेलने के लिए, किसानों को और ज्यादा कर्ज में लादने के लिए,
कॉरपोरेट को और ज्यादा फायदा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को और स्वास्थ्य के क्षेत्र को गैर सरकारी उद्योग समूह के हाथ में देने के लिए यह संपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया। मैं मेरी पार्टी की ओर से इस बजट का, जो एनडीए का बजट है, ये इंडिया का बजट नहीं है, देश का बजट नहीं है, भारत का बजट नहीं है, ये इंडिया एनडीए का बजट केवल और केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी को बनाए और बचाए रखने का बजट है। इसका घोर निंदा करता हूं और आपत्ति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री, जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत भी करने की कही गई है, क्या लगता है कि आदिवासियों को दिखाने के लिए प्रयास है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? मित्र, आप प्रधानमंत्री जब पहला बार आए थे तो उन्होंने सभी सांसदों से खुद भी ग्राम गोद लिया था। उन गांवों का क्या विकास हुआ है वो सबको जानते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार आए तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बोले, उसका भी क्या हाल है? अब एक नया नाम आया है, नाम गढ़ने में प्रधानमंत्री की कोई कंपटीशन कर सकता है क्या? बाबूलाल जी तारीफ कर रहे थे, बोले थे आदिवासियों को बहुत कुछ मिला इस बजट में झारखंड। बाबूलाल जी तो तारीफ करेंगे, उनको प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी मिला है, सपना दिखाया गया है, बाबूलाल जी के हसीन सपने। जब कार्यसमिति यहाँ बीजेपी के समाप्त हो गई उसके बाद चर्चा है कि जल्दी ही 10-15 दिनों में जितने ट्राइबल सीट झारखंड में सारे उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर देगा, इसको आप किस नजरिए से? बढ़िया है, घोषणा कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि जब इसी तरह की घोषणा जब लोकसभा चुनाव में हुआ तो कई प्रत्याशियों ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यहां पर भी वही होगा। अब तो इतना बौखलाए हैं लोग कि गट्टा पकड़ के उतार देंगे तो क्या कर देंगे। अरे भवनाथपुर की जनता आपके गिरवान तक पहुंच चुकी है। जिस दिन चुनाव होगा भवनाथपुर की जनता आपको गट्टा पकड़कर विधानसभा आने नहीं देगी। धन्यवाद। दादा एक सवाल है कि 5 साल पहले जो बजट पेश हुआ था, जो मेन चीज होता है जो गांव देहात में जो लोग बजट को तो नहीं समझते हैं, टेक्निकल चीज को, वो ठोस चीज को समझते हैं, जैसे जो कि खाने पीने की जो सामान्य होती है, दाल चावल चीनी। एक का भी दाम नहीं घटेगा, सोना का दाम घटेगा, चांदी का दाम घटेगा, मोबाइल फोन का दाम घटेगा। अब मोबाइल फोन खरीदिए, चार चार चार्जर उसमें ढुको लीजिए और YouTube में जाकर वो जो खाना बनाने वाला सब चैनल है वो सब देखिए, मन संतुष्टि कीजिए। आखिर दादा कारण क्या है जो खाने पीने के सामान में घटता नहीं है, आप इसके पीछे का क्या कारण? आप पेट्रोलियम पर घटाए नहीं है, आप कृषि में सब्सिडी दिए गई हैं, MSP की गारंटी नहीं है, तो दाम तो बढ़ेगा ही।